नमस्ते आप सब सब लोगों को. थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबडी. थैंक यू वेरी मच. जब 8 फिल्म हेरोइंस ने इनकार कर दिया था दैट दे वुड नॉट वांट टू डू द रोल ऑफ टीना इन कुछ कुछ होता है, फाइनली आयरोनिकली और बहुत ही सरप्राइजिंगली आदित्य चोपड़ा ने मुझे रेकमेंड किया कि आप एक ट्रेलर देखें. एक लड़की है एक फिल्म में, राजा की आएगी बारात, उसमें एक खूबसूरती है, एक अदा है. तो मैंने देख लिया, बहुत अच्छी थी, तो मैं गया मिलने. और मेरे साथ मेरे एसोसिएट डायरेक्टर थे कुछ कुछ होता है के निखिल अडवाणी. तो हम दोनों गए थे रानी के घर और ऑफ कोर्स नरेशन बहुत ही मैंने पैशनेटली दिया और हम यही चाहते थे कि रानी हाँ कहे. और इवेंचुअली रानी डिड डू द फिल्म, बट आई विल नेवर फॉरगेट दैट आफ्टरनून जहाँ निखिल मेरे साथ था और रानी भी वही थी. और कुछ कुछ होता है बन गई. और फिर जब मैं ये पोस्टर देखता हूँ जहाँ नाम है निखिल अडवाणी का, एमए एंटरटेनमेंट का, और रानी है इस पोस्टर पे, तो मुझे 25 साल पहले वाली बात याद आ जाती है. एंड दे से दैट लाइफ कंप्लीट्स अ फुल सर्कल. इट डज. Title is so compelling of this film, Mrs. Chatterjee versus Norway. It's like almost makes you sit up and think, what is this film about? And just like in the case of Airlift, where when the director of Airlift narrated it to us, I said that how is it possible that 177,000 Indians were stuck in a country and nobody knows about the fact that 498 planes went to bring them back? The first thing that occurred to me was, how come this happened in 2011 and nobody knows about it? Yes, of course. It had already become, in 2021, 10 years later, it had become a footnote. This mother's struggle had become a footnote, right? So it we just said we have to do it. And we started talking, we signed Ashima, and we went on from there. What headspace was Sagarika in during that period? And what is she today? And what has this journey of this fight made Sagarika into today? So I went through that, but when it actually came to performing and becoming the character, the only person that came to my mind was my mom. And I have no qualms to say it, that I have just taken my mother and put her into Mrs. Chatterjee. वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया. और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, एक मम्मी के लिए एक बच्चा सब कुछ है. और रानी मैम पूरी तरीके से उसको निभाया और फिल्म में जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है. और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज रानी मैम इज़ पोर्ट्रेटिंग माई कैरेक्टर वेरी ब्यूटिफुली, वेरी ब्यूटिफुली. इवन मैंने जब ये फिल्म देख रही थी मैं इतना इमोशनल हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ. मैं उसके अंदर में घुस गई, ऐसे लग रहा है कि मैं दौड़ रही हूँ.